आज हम देखेंगे कि हिंदी में लास्ट टाइम हमने 14 पेजेस को देखा, 13-14 में हमने इवैल्यूएट किया कि कौन से शब्दों से, कौन से अक्षरों से, स्वर व्यंजन से शब्द बनते हैं। आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा कि बाराखड़ी कैसी होती है, कैसे हम लिख सकेंगे, कैसे हम उनको अच्छे से राइटिंग में निकाल सकेंगे। तो इस बार हम देखेंगे कमल कैसे लिखना है। ये वर्ड आपको दिया जाएगा बच्चों, और आपको ये लिखना है। जैसी चित्र देखिए और नीचे दिए हुए शब्दों को पढ़िए। तो चित्र जो अने नीचे आपेल शब्दों लवाचो, ऐसे आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए होंगे। तो जो भाषाएं आपको समझ में आती है वो आप लिखिए और कीजिए। इसमें थर्ड स्टैंडर्ड हम देखेंगे हिंदी में, हमारा पाठ्य पुस्तक जो है उनकी अभी तक हमने पढ़ाई कितनी की। लास्ट पेज में हमने देखा 11 से 14 तक, फिर 15 से 16 तक। आज हम देखेंगे बच्चों, पहले हमने पार्ट वन देखा, अब पार्ट टू में हम देखेंगे कि कैसे हमें लिखना है, ओके, और कैसे पढ़ना है। कमल, कमल कैसे लिखना है, कमल, कमल, कमल। कलम, घर। शरबत, यगन। चरखा, पतंग। गाय, अनार, आम। हम आम के शब्दों से पहले वाराखड़ी हम लर्न करिए। अब इनको हमको आ से म को ऐड करके आम का वर्ड निर्माण करना होगा। तो जैसे पहले हमने यहाँ किया कमल, कलम, घर, शरबत, कैसे लिखा है देखो, वापस दोबारा से देखेंगे। शरबत, बिल्कुल भी अक्षरों में गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा हमारा, पूरी हमारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। एक एक शब्द देखेंगे। यज्ञ, चरखा, बोल बोल के लिखेंगे ताकि गलत ना हो। पतंग, ऊपर आपको डॉट डालना है। गाय, अनार, आम, लड़की, भिंडी, दिया। दिया में हम छोटी लेंगे या बड़ी लेंगे वो आपको देख लेनी है। फिर है बकरी, सरिता, गोभी, कुर्सी, मेज, डाकिया, चाबी, ये आपको लिखनी है। ये वर्ड्स आपको 5 बार लिखने हैं। आपको पिक्चर देंगे, फिर आपको च, चा, ची ची, जो हम बोले पूरी बाराक्षरी, उसमें से वर्ड्स ढूंढ के आपको लिखने हैं। मेज़, मेज़ कैसे लिखा है, कुर्सी, कुर्सी कैसे लिखी है, वो आपको बराबर देखना है और 5 बार इसका रटन करना है। जैसे शब्द पढ़िए और लिखिए। कबूतर, मकान, इमली, जूता, कक्षा, हिरण, ये आपको वर्ड्स नीचे देखने, देख कर लिखने हैं। फिर दोबारा से खुद के टीचर हो जाइए आप, बिना देखे लिखने हैं। तो पेज नंबर 15 पे हम देखेंगे कि कैसे हमने लिखा है। फिर नेक्स्ट है भारत, फिर है राजा, फिर है ठहरा, ठहरा माने ठहर गया हुआ, बिल्कुल आगे न चलने वाला, बढ़ने वाला। ढोल, चित्र, फूल, तो ये आपको लिखना है और होमवर्क की बुक में 5 बार आपको इसको लिखना है। आपको इंग्लिश में तो वर्ड्स आते हैं थर्ड स्टैंडर्ड, बट आपको ये गिनती वापस करनी है और गिने हुए शब्द को ठहर के वापस लिखना है, क्योंकि आप भूल सकते हो, ठीक है। तो एक बार पिक्चर मैसेज आएगा आपके लिए, फिर दोबारा से आपको डायरेक्ट लिखा जाएगा। फिर मिलेगा पेज नंबर हमको 16 पे, जिस पे आपको दिए गए होंगे
बहुत प्यारे पिक्चर्स, जैसे बरगद। बरगद कहाँ दिख रहा है आपको? आपने सुना तो है। हाँ मैम, हमने सुना है। तो आपको बरगद के पेड़ पे यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, रंगोली। रंगोली कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ। हाथी, देखो आपको कितना इजी है। आपको ये निम्नलिखित शब्दों का आपको सिर्फ प्रयोग करना है, और टमाटर डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है। टोपी, कमल, ये करके आपको ऐड करना है बच्चों। फिर है सही शब्द चुनकर लिखिए। कौन सा यहाँ पे शब्द है? देखो अजगर, अजगर कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो देखो वहाँ पे भी बच्चों आपको दिया है। मैं इतने सही से नहीं निकाल पाऊँगी क्योंकि मेरे पास ब्रश है। आप तो अच्छे से लिखोगे। तो ये अ ज ग र ऐसे आप लिखोगे, ठीक है, ये वाला। फिर है सैनिक, सैनिक भी दिया है, ये यहाँ लिखेंगे। बैंगन, बैंगन भी यहाँ लिखेंगे। मोटर, मोटर भी यहाँ लिखेंगे। खरगोश, तो ये खरगोश लिखेंगे। तो देखो कितना इजी है, आपको देख देख के लिखना है, इसमें कोई आपत्ति है नहीं। अभी आप लिखेंगे बारह खड़ी के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जैसे त, ता, ती, ती, तू, ठीक है, तू लिखेंगे। फिर चे, चा, ची, ची, चू। फिर श, शी, शी, शु, शु, शे। ही, हे, हु, हे। फू, फे, फे, फो, फे। ओके, भ, भे, भे, भो, भो, भे। ऐसे आपको लिखना है और प्रैक्टिस करनी है पांच बार। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतनी बार आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो बारह खड़ी एक बार देख लीजिए, पांच बार देख लीजिए, और कौन सी वर्ड्स आपको पूछे हैं वो आपको अच्छे से लिखने हैं, कि फू के बाद कौन सा शब्द आएगा, भे के बाद कौन से मात्रा का शब्द आएगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके साथ ही ये हमारा सेशन ख़त्म होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही आगे बढ़िए। कोई भी शब्द आए तो आप लिखने की कोशिश में रहिए बच्चों, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना ही अच्छा आपका शुद्ध हिंदी होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए। रंगोली कैसे लिखनी है, भारत कैसे लिखना है बच्चों, ऐसे करके पेज नंबर 15 है। ऑलरेडी आपको शब्द दिए गए हैं, आपको सिर्फ देख देख के लिखना है। और बारह खड़ी में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द कब आता है। इसके साथ ही ये हमारा सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट।